समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा सभा के तिलक उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां शिवपाल ने जानकारी देते हुए बताया 2022 में बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी। देखिए आज तो हम यहाँ पर सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने आए, इनका रिश्ता तय हो रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं सिद्धार्थ को, आशीर्वाद है सिद्धार्थ। और 2022 की जहाँ तक हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हमारा 75 जिलों में संगठन खड़ा हो चुका है और 2022 में हम अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे और कुछ छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए भी अलायंस करेंगे कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है और जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में है न देश की जनता के हित में है। देखिए इन्होंने पहले निर्णय लिया है नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। फिर इन्होंने लिया GST, कहा था कि 1 कर लगेगा, अब 1 कर की जगह जाने कितने टैक्स लग रहे हैं और भ्रष्टाचार भी फैल गया है और पूरे देश की जनता, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले लोग भी परेशान हैं, फुटपाथ पर भी जो काम करने वाले लोग थे वो भी परेशान हैं। फिर इन्होंने निर्णय किसानों वाला लिया है और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसी सरकार बनेगी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और दोगुनी तो दूर रही है, आधी भी नहीं बची। पिछले साल देखे धान 2400 रुपए था, उसकी जगह इस साल आ गया 1100 से 1200, मक्का आ गई जो 2200 थी वो आ गई 1000 से नीचे, 4 साल में गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा, 4 साल में 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है और भुगतान भी टाइम से नहीं हो रहा है, साल साल दो दो साल गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है और हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, बिजली का रेट बिल पर 4-4 बार बढ़ा है, डीजल पर बढ़ा, पेट्रोल पर बढ़ा है, महंगाई हर चीज़ पर बढ़ी है। देखिए संविधान में तो देखो पहले तो लव जिहाद शब्द ही नहीं है कहीं पर भी अब देखिए लव जिहाद रोकेंगे कैसे, ये तो देखिए झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में तो माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूरे देश के देश को मूर्ख बना दिया है इन्होंने, अब इसमें भी केवल झूठ बोलना इनका काम है। लव जिहाद जब शब्द ही नहीं है कहीं कहीं, शब्द नाम की चीज़ नहीं संविधान में कहीं पर भी नहीं है, तो क्या संविधान का उल्लंघन करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कहीं चीज़ नहीं है, घटनाएं रोज बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं,
वसूली का काम चल रहा है। इस सरकार में केवल रिश्वतखोरी, वसूली और भ्रष्टाचार। लाइन ऑर्डर कहाँ, थाने में जाओ, बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। झूठी रिपोर्ट लग गई तो फिर लाख दो लाख रुपया दे जाओ, 5 लाख रुपया दे जाओ। ये हालत है सर। क्या समाजवादी पार्टी से भी बात होगी? क्या क्या बोल रहे? समाजवादी पार्टी से भी आपकी अलायंस की बात हो रही है क्या? ऐसा आंकलन लगाया जाए, क्या हो सकता है क्या 2022? अलायंस हम तो अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक हमें बातचीत हो, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। अब उसका हमें पता नहीं, नहीं से पूछ लेना जाकर काम पार्टी। अगर अलायंस होता तो कितनी सीट होगी आप मांग करेंगे? अब बातचीत होगी तब तय करेंगे। कितनी सीटों तक आपका लग रहा है? देखिए अभी तो बहुत लंबा समय है, 1.5 साल है अभी, समय आने दो। देखिए टोटल फेल सरकार है, विदेश नीति इनकी फेल है। देखिए उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम चीन से वापस ले लेंगे, तो वापस तो ले नहीं पाए। हमारे बहादुर जवान शहीद और करा दिए हैं, बहादुर जवान शहीद करा दिए हैं और ज़मीन वापस नहीं ले पाए। तो ये हद तरीके से खेल हैं। केवल मैंने कहा झूठ बोलने में माहिर हैं। वहाँ जम्मू कश्मीर में एक गुप्तकार अलायंस एक बना है, उन्होंने बनाया है सम्मेलन करके। भाजपा ये कह रही है कि ये गुप्तकार गैंग है, तो इसको किस तरह से ना देखते हैं शिवपाल जी, किस तरह से देखते हैं? देखे भारतीय जनता पार्टी के अलावा झूठ बोलने के अलावा इनका काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो झूठ बोलती है। अब इनके बारे में हमें मत पूछो, वही अच्छा है। अभी हम टिप्पणी नहीं करेंगे इस पर। हाँ देखिए व्यापारियों की जब हम लोग सरकार में रहे हैं नेताजी के साथ, नेताजी ने हमेशा व्यापारियों के जो कहा वो किया, चुंगी को माफ़ किया, सेल टैक्स में सरलीकरण किया, इंस्पेक्टर राज खत्म किया। व्यापारियों को देखिए जब तक पूर्ण स्वतंत्र नहीं किया जाएगा तब तक न तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमारी सरकार बनती है तो व्यापारियों को स्वतंत्र करेंगे उनकी राय लेकर। व्यापार उनका कैसे बढ़े, व्यापार बढ़ना चाहिए। अगर व्यापार बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनकम टैक्स और ये भी बढ़ेगा।